आज का टॉपिक भी हाइट से रिलेटेड है। हाइट का तो वर्कआउट वीडियो आपने देख लिया है, लेकिन अभी सवाल यहाँ पर आ जाता है कि आप डाइट क्या फॉलो करें। देखिए, अगर आपको जो है हाइट अगर किसी को बढ़ानी है या किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो अगर एक्सरसाइज से नहीं बढ़ रही तो क्या हो सकता है? डाइट बहुत जरूरी है। आपको तो पता है हाइट जो बढ़ती है आपकी स्पाइन से बढ़ती है, बोन से बढ़ती है। सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी डाइट बताने वाला हूँ जिससे आपका जो है बोन स्ट्रांग होंगे, जॉइंट्स की मोबिलिटी बढ़ेगी, बोन्स जो है वो स्ट्रांग होंगे, जॉइंट्स हेल्दी होंगे, इवन यही नहीं कुछ हद तक आपकी हाइट बढ़ने में भी आपकी मदद होगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उसमें, क्योंकि इम्यूनिटी को बढ़ा देती है और आपके जो है मसल्स को वो स्ट्रांग बना देती है। सेकेंड आ जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, कैल्शियम आ गया, विटामिन आ गया जो आपके बोन्स के लिए। उसके बाद आ जाता है फॉस्फरस एंड मैग्नीशियम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो फॉस्फरस रहता है वो जिनकी डाइट जो एपेटाइट लॉस हो जाती है उसके लिए रहता है, एंग्जाइटी के लिए रहता है, बोन पेन, स्टिफ जॉइंट एंड वीकनेस, इस चीज के लिए बना है फॉस्फरस। एंड मैग्नीशियम रहता है ऑस्थोपोरोसिस, जिनको हड्डियों की इश्यूज रहते हैं, जिनको जॉइंट्स के इश्यू रहते हैं, एपेटाइट के लिए रहता है, वीकनेस के लिए रहता है, एंड जिनको मसल में स्पैज्म आता है उसके लिए रहता है। मतलब ये सब चीज़ों को वो बेटर कर देता है। तो सबसे पहले वाले मील पे हम चलते हैं, वो है बीन्स। अपने डाइट में जो है वो बीन्स इस करके ऐड कर रहे हैं क्योंकि बीन्स में प्रोटीन्स है, आयरन है, आयरन के अलावा उसमें मैग्नीशियम है, जिंक है, फॉस्फोरस है एंड फाइबर्स है। ये चीज इसमें पाए जाते हैं, ये अगर आप मील में ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं पर आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। सो सेकंड आ जाता है चिकन। चिकन ले सकते हैं क्योंकि चिकन में क्या, आपको तो पता ही क्या आ जाता है, वो प्रोटीन्स आ जाता है, अमीनो एसिड्स है, जो मसल के जो ग्रोथ टिश्यू रिपेयर तो करता है, ये साथ साथ में ग्रोथ भी कर देता है। फिर उसमें विटामिन B12, B6 पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, नाइचिन भी पाया जाता है, जो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, प्लस विटामिन B3 भी उसमें पाया जाता है। तो ये जो मैं आपको डाइट बता रहा हूँ उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का और प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज अगर आप ऐड करोगे तो अगर किसकी हाइट नहीं बन रही है न्यूट्रिशन के कारण, तो कहीं ना कहीं पर कुछ ग्रोथ जो है वो दिखेगी। थर्ड आ जाता है एलमंड्स। एलमंड में आ जाता है विटामिन ई, हाई इन मैग्नीज, मैग्नीशियम एंड फाइबर्स। लीफी वेजिटेबल्स, अब बात करते हैं लीफी वेजिटेबल्स की, विटामिन, मिनरल्स, जिसमें आ जाता है मैग्नीशियम, मैग्नीज, विटामिन सी, ये सब चीजें उसमें पाई जाती है, इवन कैल्शियम एंड पोटेशियम भी उसमें पाए जाते हैं, जिसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स भी बहुत जरूरी है। फिफ्थ आ जाता है योगर्ट्स। योगर्ट्स में आ जाता है प्रोटीन्स, आ जाता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। सो इसके अलावा उसमें पाए जाते हैं प्रोबायोटिक्स, जो गट एरिया के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सो ये भी जो है एज ए मील में ऐड करना है। स्वीट पोटैटो, विटामिन ए, सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज, ये सब चीज़ें पाई जाती है और ये एक हद तक जो है बोन के लिए भी काफ़ी बेटर रहता है। सो दोस्तों, इसके अलावा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किनुआ आ जाता है, एग्स आ जाता है। तो ये सब चीज़ों में जो है ज़रूरतमंद की चीज़ें पाई जाती हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी रहती है, इवन देखा जाए तो वो बोन के लिए भी अच्छी रहती है, जो पूरे जो है मील्स, पूरे न्यूट्रिशन को जो है वो कवर करता है। क्योंकि अगर हाइट बढ़ानी है तो बोन स्ट्रांग चाहिए और इम्यूनिटी अच्छी चाहिए, जो है आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल चाहिए, स्टिफनेस नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें आ जाती है। तो पूरा हम लोगों ने दो वीडियो का एक सीरीज कवर किया हुआ है, एक में हाइट का है और सेकंड में जो है मील का है कि आपको डाइट में ये सब मील आपको रखने हैं। सो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इन फ्यूचर में कौन सा वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।